हेलो दोस्तों, आज हम आपको महाभारत के प्राचीन शहरों के बारे में बताएंगे। जानिए आज कहां स्थित है महाभारत के प्राचीन शहर। प्रसिद्ध हिंदू ग्रंथ महाभारत में उल्लेखित कई प्राचीन शहर आज भी स्थित जो कि वर्तमान भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फैले हुए हैं। यहां हम आपको महाभारत के कुछ ऐसे ही शहरों के बारे में बता रहे हैं। महाभारत के प्राचीन शहर। नंबर 1, गांधार। आज के कंधार को कभी गंधार के रूप में जाना जाता था। यह देश पाकिस्तान के रावलपिंडी से लेकर सुदूर अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी वहां के राजा सुबल की पुत्री थी। गांधारी के भाई शकुनी दुर्योधन के मामा थे। कंधार को लेकर ऐसी कहानी प्रचलित है कि महाभारत के युद्ध के बाद पांडव हिमालय के लिए निकले। यही पांडवों के वंशज छन्मेजय ने अपने पिता परीक्षित की सांप कटने से मृत्यु के बाद क्रोधित होकर सर्पयज्ञ का आयोजन किया था, जिसमे हजारों नाग जलकर भस्म हो गए थे। गांधार अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान में है। नंबर 2, केकय प्रदेश। जम्मू कश्मीर के उत्तरी इलाके का उल्लेख महाभारत में केकय प्रदेश के रूप में है। केकय प्रदेश के राजा जयसेन का विवाह वसुदेव की बहन राधा देवी के साथ हुआ था। उनका पुत्र विंध जरासंध दुर्योधन का मित्र था। महाभारत के युद्ध में विंध ने कौरवों का साथ दिया था। केकय प्रदेश अब जम्मू कश्मीर में है। नंबर 3, इंद्रप्रस्थ और खांडवप्रस्थ। महाभारत में जस इंद्रप्रस्थ और खांडवप्रस्थ का जग कया है, वह वर्तमान में भारत की राजधानी दिल्ली है। नंबर 4, उज्जैनिक। महाभारत में जस उज्जैनिक नामक स्थान का जग कया गया है, वह वर्तमान काशीपुर है जो उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। यहाँ पर गुरु द्रोणाचार्य ने कौरवों और पांडवों को शिक्षा दी थी। यहाँ स्थित द्रोण सागर झील के बारे में कहा जाता है कि पांडवों ने गुरु दक्षिणा के तौर पर इस झील का निर्माण किया था। नंबर 5, पांचाल राज्य। पांचाल पौराणिक 16 महाजनपदों में से एक है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद जिलों से परिवृत प्रदेश का प्राचीन नाम है। यह कानपुर से वाराणसी के बीच के गंगा के मैदान में फैला हुआ था। नंबर 6, वृंदावन। महाभारत काल का वृंदावन आज भी इसी नाम से जाना जाता है जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में स्थित। यहाँ श्री कृष्ण रास रचाया करते थे और गाय चराया करते थे। नंबर 7, मथुरा। महाभारत में कंस की नगरी मथुरा का जग कराया गया है। यह जगह आज भी इसी नाम से जानी जाती है। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। यहाँ आज भी जन्मभूमि में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। इस वीडियो में इतना ही। हमारी और भी आश्चर्यजनक अद्भुत एवं रोमांचक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।